हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी नीट 2021 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले ये बातों को ध्यान दें जरूर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नीट के द्वारा ये फोटो के द्वारा समझाया गया है कि अगर आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं और आंसर देने में अगर ये 9 गलतियाँ कर लेते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो नीट के द्वारा क्या गाइडलाइन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देखेंगे, नीट का पोर्टल ओपन करेंगे तो यहाँ आप यहाँ राइट साइड में न्यू न्यूज़ एंड इवेंट्स में आएंगे तो यहाँ नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ हाउ टू फिल OMR आंसर शीट। इसको क्लिक कर लेंगे तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये PDF ओपन हो जाता है। तो चलिए एक एक करके हम बारीकी से समझते हैं फ्रेंड्स कि वो कौन कौन सा हमारा निगेटिव पॉइंट्स होता है जिससे हमारे नंबर कटने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं और हम सिलेक्शन में पीछे हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस चीज़ के बारे में आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ ऐसा मार्क्स कम क्यों आए। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला है हाउ टू फिल द OMR आंसर शीट का पहला है, बिफोर फिलिंग OMR शीट द कैंडिडेट शुड रिमेंबर वन थिंग्स दैट OMR शीट्स आर इवेल्यूटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऐसे जो काउंटिंग किया जाता है, चेक किया जाता है, वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से किया जाता है। दिस सॉफ्टवेयर इज वेरी सेंसिटिव, कैन ओनली रीड प्रॉपरली फिल्ड ब्लैक कलर्स बबल्स। यह बहुत ही सेंसिविटी मशीन होती है और जो सिर्फ केवल उसी को जो अच्छे से फिल किया हो जाता है ब्लैक कलर का, जो हम बॉक्स को भरते हैं तो उस बबल्स को ही वह अच्छे से काउंट करता है। डू नॉट टेम्पर आर स्क्रेच द OMR शीट, तो OMR शीट को मोड़ना भी नहीं है ना उसमें किसी प्रकार का स्क्रेच लाना है, और ओनली प्रोवाइडेड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन द OMR शीट। तो OMR शीट में जो जरूरत की चीज़ें हैं सिर्फ उसी को देना है, इसके अलावा अदर कोई निशान, कोई मार्क्स, कोई पहचान नहीं लगाना है, अदरवाइज आपका OMR शीट रिजेक्ट हो सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। सेकेंड है, स्पेसिफिक स्पेस और बॉक्सेस आर प्रोवाइडेड इन द OMR शीट टू फिल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लाइक रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर, टेस्ट बुकलेट कोड, एंड डू नॉट राइट एनी थिंग इल्स ऑन द OMR शीट आर डू नॉट मेक एनी स्पेसिफिक सिम्बॉल आर साइन। तो फ्रेंड्स, जो OMR शीट होती है उस OMR शीट में आपके लिए टेस्ट बुकलेट कोड, टेस्ट बुकलेट नंबर, आपका रोल नंबर, ये सभी फिल करने के लिए स्पेसिफिक बॉक्स बनाए रहते हैं जिसे आप यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहला, द कैंडिडेट्स हैज 10-डिजिट रोल नंबर, द करेक्ट वे टू फिल रोल नंबर मेंशन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल रोल नंबर। इस प्रकार जैसे आपके पास ये बॉक्स बना है, इस बॉक्स में आपके रोल नंबर, आपको जो रोल नंबर है वो फिल करना है। फिल करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आपका रोल नंबर में 9876 है तो अगर आपके रोल नंबर में जिस बॉक्स में 6 आता है उस बॉक्स के नीचे जो सर्कल बना है उसमें 6 के ऊपर ब्लैक कलर आपको फिल करना है। तो इस तरीके से जिस बॉक्स में जो आप डिजिट लिखे हैं उसी डिजिट के नीचे बॉक्स को आपको सर्कल करना है, वो भी पूरी अच्छे तरीके से करना है। अगर इस तरीके से आप आधा अधूरा करते हैं तो वह एक्सेप्ट नहीं होगा जिससे आपका OMR शीट रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उसमें देखिए, द कैंडिडेट शुड बी इंश्योर 7-डिजिट टेस्ट बुकलेट नंबर। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका एक कोड होता है, बुकलेट नंबर होता है, वो बुकलेट नंबर आपको यहाँ फिल करना है। जहाँ इस प्रकार एक सिंबल के लिए बताया है 350, तो यहाँ देखेंगे यहाँ 3 के ऊपर पूरे काला किया गया है, फिर यहाँ 5 है तो 5, यहाँ 0, फिर 4, फिर 6, फिर 9, फिर 7। इस तरीके से आपका जो भी टेस्ट बुकलेट होगा आप अपने टेस्ट बुकलेट को अच्छे से देख लेंगे एग्जाम सेंटर पे, इसके बाद आपको यहाँ टेस्ट बुकलेट नंबर को फिलअप करना है। इसके बाद फ्रेंड्स थर्ड नंबर में आता है, इन द OMR शीट राइट द कैंडिडेट्स नेम्स, फादर्स नेम्स, मदर्स नेम्स इन रनिंग हैंड राइटिंग इन द नेम कॉलम एज गिवन इन द फॉलोइंग बॉक्स। तो फ्रेंड्स, जो जो बॉक्स में है जिसमें आपका नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है और माता का नाम लिखना है, जिस बॉक्स में जिनका नाम लिखना है आपको उसी बॉक्स में लिखना है, वो भी रनिंग हैंड राइटिंग में। तो आप यहाँ डेमो के लिए देख सकते हैं। चौथा है फ्रेंड्स, द टेस्ट ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन। तो आपका जो टेस्ट होता है वो 3 घंटे का होगा और टेस्ट बुकलेट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 होंगे, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और 4 ऑप्शन हो गए जिसमें एक सिंगल करेक्ट आंसर होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी में 2,
डिपार्टमेंट हो जाएंगे, जिसमें बॉटनी एंड जूलॉजी हो जाता है, दोनों के 50-50 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से कुल 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और 200 क्वेश्चंस में आपको फ्रेंड्स ये ध्यान देना है कि उसमें दो सेक्शन बनाया गया है। तो सेक्शन इस प्रकार है, तो सेक्शन ए होता है जिसमें आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। 35 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट्स का आपको इसको सॉल्व करना अनिवार्य है, कंपलसरी होता है, जिसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 35, 51 to 85, 101 to 135 एंड 151 to 185, अर्थात सभी सब्जेक्ट के 50 में से 35 क्वेश्चंस आपको कंपलसरी इसको सॉल्व करना है, प्रथम जो 35 होता है उसको। इसके बाद जो सेक्शन बी होता है फ्रेंड्स, तो सेक्शन बी में बचे 15 जो क्वेश्चंस बचे हैं हर सभी सब्जेक्ट के, तो उस 15 क्वेश्चंस में से आपको यहाँ दिया हुआ है कैंडिडेट नीड टू अटेम्प्ट एनी 10। फ्रेंड्स आप इसको ध्यान रखेंगे, 15 में से सिर्फ आपको 10 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आता हो, जिसमें आपको कंफर्मेशन होता है, उस 10 क्वेश्चंस को आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, और हर सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के आपके पास 160, 35 और 45, मतलब 180 क्वेश्चंस आपको इसमें सॉल्व करना है फ्रेंड्स, और 20 क्वेश्चंस आपको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे, और पांचवा नंबर है फ्रेंड्स, डू नॉट फिल मोर देन वन ऑप्शन फॉर एनी ऑफ द क्वेश्चंस बिकॉज देयर इन ओनली वन आंसर विच इज मोस्ट अप्रोप्राइट फॉर ऑल क्वेश्चंस। तो सभी क्वेश्चंस में फ्रेंड्स सिर्फ आपको एक ही आंसर टिक लगाना है, एक ही आंसर में टिक नहीं लगाना फ्रेंड्स, आपको पूरा फिल करना है, वो भी पूरे अच्छे तरीके से फिल करना है। आप यहाँ देख सकते हैं रॉन्ग और राइट बताया गया है, राइट जो आप यहाँ राइट देख रहे हैं, राइट तरीके से किस तरीके से एक लाइन पे जो चार ऑप्शन दिया होता है, उस चार ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन को आपको फिल करना है, चाहे जो आपको करेक्ट लगे। इसके बाद फ्रेंड्स इस तरीके से दो को नहीं फिल करना है या आधा अधूरा फिल नहीं करना है हमें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, छठवां नंबर। तो फ्रेंड्स द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू साइन विथ टाइम। तो फ्रेंड्स इन डिक्लेरेशन कॉलम, तो डिक्लेरेशन कॉलम में आपको साइन करना है, साथ में आपको टाइम भी लिखना अनिवार्य है। आप यहाँ टाइम ना लिखें, ऐसा भूल जाएं, ऐसा कोई गलती नहीं करना है आपको, यहाँ समय भी लिखना अनिवार्य है। नेक्स्ट है मेक श्योर द कोड प्रिंटेड ऑन द ओएमआर शीट। तो फ्रेंड्स आपके ओएमआर शीट जो टेस्ट बुकलेट नंबर होता है उसमें एक टेस्ट बुकलेट कोड देता है, जिसमें ए बी सी डी जो भी रहेगा आप उसको कंफर्म करके उसके ऊपर आपको यहाँ फिल करना है, जो आपको नीचे मैं अभी दिखाऊंगा फ्रेंड्स डेमो के लिए, उसमें भी बना हुआ है। तो चलिए आठवें नंबर पे आ गए हैं, इन केस एनी डिस्क्रिपेंसी और पार्टिकुलर लैंग्वेज ओनली द इंग्लिश वर्जन विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल वर्जन। अगर आपको किसी और जो लैंग्वेज होता है उसमें अगर कोई सब्जेक्ट या कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो, तो सिर्फ जो इंग्लिश में उसमें दिया हुआ है तो उस इंग्लिश को ही माना जाता है करेक्ट। जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स इंग्लिश में कुछ होता है और हिंदी में कुछ और हो जाता है, तो उस स्थिति में, उस परिस्थिति में इंग्लिश को ही सही माना जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे तो सेक्शन बनाया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला जो सेक्शन है वो फिजिक्स का है 1 से 35 तक का, इसके बाद केमिस्ट्री का है, फिर बायोलॉजी और यहाँ जूलॉजी का है। तो आप यहाँ देखेंगे 35 35 सभी में दिया हुआ है। इसके बाद जो बच्चे 15 15 क्वेश्चन जिसमें सेक्शन बी में, तो यहाँ आपको साफ साफ लिया है अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस इज इच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको कोई भी 10 क्वेश्चंस को इसमें से सॉल्व करना है, 10 10 10 सभी में से। तो अर्थात आपको 60 में से सिर्फ 40 इसमें से लेना है फ्रेंड्स, और बाकी ये जो है आपको 140 यहाँ करना है सॉल्व, और 40 इसमें, कुल मिला के आपको 180 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। यहाँ टेस्ट बुकलेट का जो कोड होता है वो आपको फिल करना है, ए बी सी डी जो भी आपका टेस्ट बुकलेट कोड होगा, और ऊपर में आप देखेंगे फ्रेंड्स आपको यहाँ टेस्ट बुकलेट का नंबर भी लिखना है, आपको यहाँ रोल नंबर भी डालना है। तो रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर, और यहाँ बुकलेट का कोड, और यहाँ आपको आंसर शीट का नंबर दिया हुआ है, इस आंसर शीट को आपको क्वेश्चन पेपर में भी डालने को, जो टेस्ट बुकलेट है उसमें डालने को भी आता है फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन दिया हुआ है, डिक्लेरेशन में आपको साइन करना है,
और टाइम डालना है। कैंडिडेट्स नेम लिखना है, इसके बाद मदर्स नेम लिखना है, यहाँ फादर्स नेम लिखना है, और कैंडिडेट का यहाँ लेफ्ट थंब लगेगा, इम्प्रेशन होगा। इसके बाद यहाँ सिग्नेचर, जो हमारे पर्यवेक्षक होते हैं उन लोग यहाँ सिग्नेचर करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा फ्रेंड्स। कैंडिडेट मस्ट नॉट कैरी ओरिजिनल और ऑफिस कॉपी। तो फ्रेंड्स आपको कैंडिडेट जो होते हैं उसको ओरिजिनल और ऑफिस कॉपी दोनों में से किसी कॉपी को कैरी करना नहीं है, ऐसा इसमें इंट्रक्शन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको इंट्रक्शन को अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो उम्मीद करता हूँ अगर आप अच्छे से इंट्रक्शन पढ़ लेते हैं तो आपके साथ क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व होंगे और आपको टेस्ट हॉल में किसी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।